the masses, the foreign people, to come the more than that. It is very most beautiful place as compared to other and the Pakistan. So I enjoy so many more times. So come more than that. I love you everyone. Thank you. तो भाई लोग हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान टूर अरेंज किया गया। ये जगह है जनाब माहूडंड लेक और हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी हम करीब जाएंगे, आपको जरा करीब से मनाजिर भी दिखाएंगे। यकीन करो इतनी जन्नत नुमा जगह है ना, मतलब आपका दिल आके यहाँ पे आके खुश हो जाएगा। ठंडक है, इस तरह का माहौल हुआ हुआ, बहुत खूबसूरत। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत लेक यही है। ग्रीन कलर का पानी है, साफ सुथरा और जबरदस्त। आप उधर से चलते हैं ना कालाम से, 3 घंटे की ड्राइव है और जीप का ट्रैक है या यहाँ पे फील्डर आती है तो आसानी से यहाँ पे पहुंच जाते हैं। और इतने खूबसूरत यहाँ के मनाजिर है ना यार, आप करीब जाओगे आप देखोगे ना मजा आ जाएगा। मैं आपको करीब से अभी दिखाने वाला हूँ। अभी जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ तो मैंने बोला यार क्लिप बना लेता हूँ। तो ये आवाम भी काफी आई हुई है, ठीक है। अभी 11 बज रहे हैं यहाँ पे दिन के, तो काफी आवाम है यहाँ पे, सही मजा आने वाला है। तो पूरा व्लॉग बनेगा भाई यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे मेन चीज है, यहाँ पे आना जरूरी था। यहाँ आए बगैर मैं अगर कराची चले जाता ना, यकीन करो पाकिस्तान टूर ना इनकम्प्लीट रह जाता। तो यहाँ मैं आया इसलिए हूँ क्योंकि मुझे माहूडंड लेक देखना था। और यकीन करो यहाँ पे आकर है ना, कहते हैं ना पैसे पूरे हो गए, बस समझ लो पैसे यहाँ पे पूरे हो गए। और बड़ी आवाम है यहाँ पे, गाड़ियां उन्हें खड़ी है। असल में माहूडंड लेक ना बहुत आगे तक जा रही है। क्या खूबसूरत लेक है, लिटरली बेस्ट लेक इन पाकिस्तान। मतलब इससे बेहतर जगह पाकिस्तान में कोई नहीं है। आप करीब से देखो तो आपको मजा ना आए तो पैसे वापस। मतलब तीन जगह में यार इतना खूबसूरत मौसम, पहाड़ इतने प्यारे, इतने प्यारे जगह लगे हुए हैं और बहुत छोटे मोटे होटल भी बने हुए हैं, तो वो भी आप वहाँ से भी कुछ खाना वाना चाहें तो खा सकते हैं। तो पीछे लेक है सारी, तो हमने ऐसा में फुल राउंड लिया हुआ तो आराम से हम इन्जॉय कर रहे हैं। मतलब ये हाफ राउंड में ही तक खा देते हैं बंदे को, ठीक है। यहाँ भी भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं। हमें भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आया, बहुत गार्डन। लेकिन रस्ते में थोड़ा सा पॉइंट आ गया तो हमने बोला यहाँ पे स्टे कर लेते हैं। लेकिन स्टे किया तो पता चला कि यार ये जगह जो है ना बाप जगह है, लिटरली इतनी बेहतरीन जगह है ना। पानी का कलर आप देखें करीब से, इतना खूबसूरत है। अभी मैं आपको करीब जाके दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत किस्म की जगह है ये। असल में हम माहूडंड लेक अभी पहुंचे नहीं है, रस्ते में, तो रस्ते में हमें पानी नहीं दिखा तो हमने बोला यार यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे पता चला भाई लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ना डब्बा, इसके अंदर इन भाई लोगों ने मछलियां पकड़ी हैं। और इतनी खूबसूरत मछलियां हैं ना, मैं आपको ऐसे करीब से भी क्लिप में दिखा दूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो यार मेरे पीछे जगह देखो कितनी वीआईपी किस्म की जगह। अभी हम माहूडंड से तकरीबन 15 किलोमीटर पीछे हैं, 15 या 20 किलोमीटर हम पीछे हैं। तो हम इंशाल्लाह 1-1.5 घंटे में माहूडंड पहुंच जाएंगे। माहूडंड में इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म की जरा क्लिप वगैरह बनाएंगे। तो ये सारा जो एरिया है ना बड़ा खतरनाक किस्म का पथरीला इलाका है, यहाँ से गुजर रहे हैं माहूडंड की जानेब। जल्द अज जल्द पहुंचे हैं, फिर इंशाल्लाह आपको वहां पे दिखाते हैं। बस यार मैंने मछलियां देखी ना, मुझे बड़ी पसंद आई। तो यार आप जब भी यहां से गुजरो ना इस जगह पे जरूर रुकना, क्योंकि यहां पे जो मछलियां हैं ना इतनी खूबसूरत नायाब किस्म की मछलियां, आप देखो कि बोलोगे यार क्या खूबसूरत है यार। तो भाई लोग हम लोग 7 बजे उठे यहाँ से, तो हमने बोला पहले नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं फिर माहूडंड लेक निकलते हैं। माहूडंड लेक के लिए आपको बिल्डर गाड़ी करवानी पड़ती है। अगर आप 4 बंदे हो तो आप आराम से आ जाओ, अगर 8 हो तो आपको 2 करवानी पड़ेगी। जीप वाला 8,000 रुपये समथिंग लेगा तो ही आप जा सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने अब नाश्ता कर लिया, नाश्ता कोई इतना खास नहीं था तो, लेकिन हम लोग निकल रहे हैं माहूडंड लेक की जानेब। तो माहूडंड लेक पे यार रस्ते में बहुत रश होगा, रास्ता जो है खुरदरा है, तो 2.5-3 घंटे लग जाएंगे।
तो इस सफर को हम इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे वहां चल के इंशाल्लाह।